दोस्तों नमस्कार, मैं दिल्ली क्राइम के हेड ऑफिस से राजकुमार आप सभी से बात कर रहा हूं। और आज शनिवार है 12 अगस्त। वैसे तो अगस्त का सारा महीना ही आज़ादी का महीना गिना जाता है, लेकिन 15 अगस्त को तो स्पेशल भारत के अंदर 15 अगस्त बड़े धूमधाम से मनाई जाती है और हम धूमधाम से मनाएंगे भी अपने ऑफिस में। लेकिन 15 अगस्त के छुट्टी होने के कारण वो हम सारा काम कल ही करेंगे। तो मैं सभी को, जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं दिल्ली क्राइम के हमारे साथी हैं, मैं सभी को एक बात कहना चाहता हूं कि हम कल ऑफिस के अंदर इकट्ठे हों और इस राष्ट्रीय पर्व को बड़े धूमधाम से मनाएं, क्योंकि इस पर्व के पीछे बहुत ही हमारे जो देशभक्त थे उनकी कुर्बानियां छुपी हुई हैं। हम उनकी कुर्बानियों का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। किसी भी एक देशभक्त का नाम लूँ तो वो बाकियों के साथ अन्याय होगा, लेकिन मैं फिर भी चाहूँगा कि हम सभी कम से कम इधर उनको याद तो कर सकते हैं कल ऑफिस में आके। और हम ऑफिस में कल 15 अगस्त भी मनाएंगे। और इसके साथ साथ एक खास बात और भी है कि इस संडे को होने वाली मीटिंग हमारी भी 15वीं मीटिंग है। हम लगातार मीटिंग करते आ रहे हैं और अभी तक हम 14 मीटिंग कर चुके थे, कल 15वीं मीटिंग है, हम वो भी सेलिब्रेट करेंगे। और सबसे बड़ी जरूरी बात यह है कि इस मीटिंगों के जो होने का फायदा हुआ है, वो फायदा यह हुआ कि इसके अंदर बहुत सारे नए नए लीडर उभर के सामने आए हैं, जो काफी समय से बोलते नहीं थे वो भी बोलने लगे हैं, अपने बारे में बताने लगे हैं और हर मीटिंग को वो सेलिब्रेट भी करते हैं। इसी मीटिंगों के अंदर ही बहुत सारे लोग न्यूज पोर्टर बने, न्यूज पोर्टर से एरिया भी बने और उनके एरिया बनने से बहुत सारे हमारे लीडर जोनल एडवाइजर के रैंक पे भी पहुंचे और डिस्ट्रिक्ट एडवाइजर के रैंक पे भी पहुंचे और कुछ स्टेट के ऊपर भी पहुंचने वाले हैं। नीचे से जितना हमारे काम उठ के आ रहा है, ऊपर वालों के कद उतने ही बढ़ते जा रहे हैं और बहुत सारे जो हमारे बड़े लीडर थे उन सबके काम ना करने की वजह से या छोड़ कर जाने की वजह से भी कंपनी पे या सिस्टम पे बिल्कुल भी असर नहीं पड़ा। हाँ, उनके ऊपर असर जरूर पड़ा होगा, क्योंकि अब नए नए लीडर आ गए हैं। कईयों को तो अपने ना पुराने लीडरों को आके अपने बारे में बताना पड़ता है कि हम वो हैं, हम इस रैंक वाले हैं। अच्छा लगता है उनका भी जब वो आते हैं बताते हैं, और नए लोग जो जितने भी हमारे साथ जुड़े हैं वो सारा उन्हें सुनते हैं और उनके तजुर्बे का फायदा भी उठाते हैं। और जो नए नए लीडर आ रहे हैं, नए नए लीडर बने हैं, जो भी हमारे नए पाठक बने थे उसके अंदर से एरिया भी बने हैं, जोनल तक के भी रैंक पे पहुंचे हैं, वो भी बड़ी तेजी से प्रोग्रेस करते हुए जा रहे हैं। ये सब कुछ जो लीडर हैं और उनकी टीमें हैं, ये उनकी मेहनत का ही नतीजा है और उनकी मेहनत बहुत बढ़िया रंग लेके आ रही है। हर मीटिंग के अंदर बहुत ज्यादा भीड़, बहुत सारा लोगों में उत्साह, बहुत सारी जानकारी शेयर होती है। और वैसे भी कल की जो 15वीं मीटिंग है हमारी, 15 अगस्त और 15वीं मीटिंग दोनों एक साथ हैं। मैं अगर देश के लिए बात करूं तो एक ही लाइन में बोलूंगा, जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें अपने देश के लिए प्यार नहीं। इसी तरीके से जो देश के लिए प्यार है, वही दिल्ली क्राइम की टीमों में भी, दिल्ली क्राइम के मेंबरों में भी, दिल्ली क्राइम के पाठकों में भी, दिल्ली क्राइम के प्रेस रिपोर्टरों में भी अपनी दिल्ली क्राइम के लिए वो बहुत प्यार है। और वो ज्यादा से ज्यादा कल आके अपना वो प्यार, वो जज्बा दिखाएंगे भी कि हमारा, हमारी नजर में दिल्ली क्राइम क्या चीज है। जिस तरीके से एक देश की बात कर रहा हूं मैं, साथ ही साथ दिल्ली क्राइम की बात कर रहा हूं, हम उस दोनों के लिए काम करेंगे कल की डेट के अंदर। बहुत सारे लीडर नहीं भी आ पाएंगे या नहीं आएंगे, कई जानबूझकर भी नहीं आएंगे शायद, तो उन सबको एक ही बात बोलूंगा, आप अगर कल की मीटिंग में नहीं आते हैं या आने वाली जो भी मीटिंग है उसमें अपना हिस्सेदारी, अपना पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, सिस्टम के ऊपर या कंपनी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ आपके ऊपर असर जरूर पड़ सकता है। जिस तरीके से आप, बहुत सारे लीडर इधर ऐसे हैं जो अपने लीडर्स को, जो उनके सीनियर हैं वो छोड़ के जा चुके हैं या नहीं कर रहे या सपोर्ट नहीं कर रहे, वही भाव उनके लिए भी पैदा हो सकता है। तो कल की मीटिंग का बहुत हम धूमधड़के से मनाएंगे और 15 अगस्त को भी सेलिब्रेट करेंगे और बहुत सारी तैयारियां करेंगे कि कल को देशभक्ति के गानों के ऊपर भी बात करेंगे, डांस के ऊपर भी बात करेंगे और हमारे साथ कल फुल ड्रेस रिहर्सल करके भी बहुत सारे सिविल डिफेंस के जो हमारे साथी वो आएंगे, वो अपने भाव यहाँ पे अपने तरीके से प्रस्तुत करेंगे। आप लोग भी आइए और ज्यादा से ज्यादा आइए कि हम कल मीटिंग बहुत छोटी होगी, ज्यादा सेलिब्रेशन ही होगा। आप अपने बारे में, अपने देश के बारे में और अपनी दिल्ली क्राइम के बारे में खुलकर बात करेंगे और लोगों को बताएंगे भी। तो कल मिलते हैं हम सब पूरे जोश, पूरे उत्साह, पूरे एकदम उल्लास के साथ
और सेलिब्रेट करेंगे 15 अगस्त को भी और 15वीं मीटिंग को भी। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि आप लोग आइए और इस सेलिब्रेशन का हिस्सा बनिए। जय हिंद, जय दिल्ली क्राइम।